हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक इन्वर्टर के अंदर का राज। जो मेन इन्वर्टर होता है इसको खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या निकलता है, और वो आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए, अब वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अभी टाइम ना गवाते हुए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये रहा हमारे पास वो मिनी इन्वर्टर, और इसको हम खोल करके देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें खोलना पड़ेगा ये पेंच, एक पेंच हमने इसका खोल लिया। अब खोलते हैं दूसरे वाला, दूसरा भी हमने खोल लिया। अब इसको दूसरी साइड से खोल लेते हैं। अब ये लास्ट पेंच रह गया इसका, ये भी हम खोल लेते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या निकलेगा। तो इसके हमने चारों पेंच खोल लिए हैं। अब इसका ऊपर से ढक्कन उठाते हैं, तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, ये वाला। और इसमें एक कार्ड होता है, मिनी कार्ड, जो कि सिर्फ डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और इसके दो वायर निकली हुई हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। और इसमें दो सॉकेट लगे हुए हैं पीछे, ये आउटपुट के लिए है। और इस पे दो एलईडी हैं, एक पावर की है एक लोड की है, सिर्फ दो ही है इसमें। यहाँ से ऑन ऑफ होता है, सिर्फ इसके अंदर यही होता है, एक कार्ड, मिनी कार्ड होता है ये। और ये सिर्फ बैटरी की आउटपुट देता है, एसी ये चार्ज नहीं करता, सिर्फ आउटपुट देता है वोल्टेज 230 वोल्टेज। जो इन्वर्टर के अंदर था वो मैंने आपको दिखाया और बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।